बदायूं से श्री उपेंद्र फतेहपुरी जी हैं। अर्पित करता हूं सभी महानुभावों को, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे अपने मुक्तक से जोड़ता हूं और आशा करता है कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो तालियों से जरूर उत्साहवर्धन करना। वो सबके सामने अक्सर उसे बदनाम करते हैं, वो सबके सामने अक्सर उसे बदनाम करते हैं, स्वरों से स्वर मिला करके सहज हो काम करते हैं, स्वरों से स्वर मिला करके सहज हो काम करते हैं। गिनाते फेसबुक और व्हाट्सअप में खामियां अक्सर, अगर अगली पंक्ति आपके दिल तक पहुंचे तो तालियां बजाना। गिनाते फेसबुक और व्हाट्सअप में खामियां अक्सर, वही महबूब को मैसेज सुबह और शाम करते हैं, वही महबूब को मैसेज सुबह और शाम करते हैं। और देखिए क्या क्या करते हैं कि कभी बूढ़ों से छिप करके, कभी बच्चों से छिप करके, कभी ऑफिस से निकलें तो कभी होटल से चल करके, नयन सुख ढूंढ नहीं लेते हैं वो अपनी मोबाइल में। अगली पंक्ति आपके दिल तक पहुंचेगी। नयन सुख ढूंढ नहीं लेते हैं वो अपनी मोबाइल में, मगर बीबी यही कर ले तो कत्ले आम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपने मुक्तक से जोड़ता हूँ, मैं श्रृंगार लिखता हूँ बदायूं की धरती से, आपको प्रणाम समर्पित करता हूँ कि जब तुझे चाहत का उसूल नहीं मालूम है, जब तुझे चाहत का उसूल नहीं मालूम है तो मोहब्बत की गलियों में आता क्यों है, जब तुझे चाहत का उसूल नहीं मालूम है तो मोहब्बत की गलियों में आता क्यों है, और इश्क की मेहमानबाजी नहीं तेरे बस की तो मुझे भरी महफिल में बुलाता क्यों है, जब इश्क की मेहमानबाजी नहीं तेरे बस की तो मुझे भरी महफिल से बुलाता क्यों है। और बंद समर्पित करता हूं कि अंदेशा है कि तेरे इश्क में तूफान आएगा, साहब श्रृंगार लिखता हूँ, प्रणाम समर्पित करता हूँ कि अंदेशा है कि तेरे इश्क में तूफान आएगा, और मुझे बदनाम करने को तेरा फरमान आएगा, और मगर मेरी मोहब्बत भी हटीली हो गई इतनी, मुझे तुझसे जुदा करने तो बस भगवान आएगा, मुझे तुझसे जुदा करने तो बस भगवान आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ धर्मवीर भैया का, आप जैसे महानुभावों के बीच में मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जुगनुओं के शहर की तलाश को निकल पड़े, जुगनुओं के शहर की तलाश को निकल पड़े, अदबुजी असीमित ले प्यास को निकल पड़े, और कई काफिले गुम हो चुके जिन राहों में, हम भी उन्हीं राहों में प्रवास को निकल पड़े, हम भी उन्हीं राहों में प्रवास को निकल पड़े। आप सब लोग अनजान हैं, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपका स्नेह मिल रहा है, लेकिन यहाँ जैसा अपनापन महसूस हो रहा है, मैं आपको समर्पित करता हूँ कि मुझे उस भोर का सपना समझ बैठे तो क्या होगा, मुझे उस भोर का सपना समझ बैठे तो क्या होगा, कहीं उस ख्वाब की रचना समझ बैठे तो क्या होगा, और हमें तो फिक्र अपनी हो रही अनजान से मिलकर, खुदा ना खास्ते अपना समझ बैठे तो क्या होगा, खुदा ना खास्ते अपना समझ बैठे तो क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक गाय पर एक बंद है बस, कि स्वार्थ बिन जब दर्द में निश्चित हुई सहभागिता, स्वार्थ बिन जब दर्द में निश्चित हुई सहभागिता, और ममता पक्ष कोले बात इतनी बढ़ गई, और हजारों में था उपस्थित जंतुओं का वंश, लेकिन और गाय माँ का रूप ले सर्वोच्च पद पर चढ़ गई, गाय माँ का रूप ले सर्वोच्च पद पर चढ़ गई। और अभी आपने एक सुना होगा, मेरा मुक्तक आपको खुद बता देगा कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, कि किरदार असरदार है तो परेशानी क्यों है, किरदार असरदार है तो परेशानी क्यों है, और नूर से चमकते चेहरों पर ये वीरानी क्यों है, और जिसने सिखाया युवाओं को देवदास बनना,
उसका बेटा देवदास है तो हैरानी क्यों है, उसका बेटा देवदास है तो हैरानी क्यों है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 5 मिनट का समय है, अंतिम बंद रखता हूँ कि आरजू सब ख्वाहिशें अरमान सारे मर गए, देख ऐसे मंजरों को दिल हमारे डर गए, फूल क्यों ऐसे गिरा जाकर किसी की सेज पर, फूल क्यों ऐसे गिरा जाकर किसी की सेज पर, कई भमरे याद में उसकी तड़प कर मर गए, कई भमरे याद में उसकी तड़प कर मर गए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।